नमस्कार माय ऑल डियर एस्पिरेंट्स फॉर सी यू ई आई एम शिखा योर मेंटर टू हेल्प यू इन द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश लास्ट वीडियो वी हैव सीन द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट शुड बी फॉलोड वाई वी आर चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वो हमने रूल्स देख लिए थे आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कुछ और तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द टेंसिस एंड जितने भी प्रोनाउंस थे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फॉर्म उनको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स एंड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आई डू द वर्क सबसे पहले यह एक्टिव लिखा हुआ है एंड दीज ऑल सेंटेंसिज आर चेंज इन दैसिव फॉर्म I do the work. The work is done by me. But this table, you will revise all the sentences of different different tenses. Okay? I do the work, present indefinite tense. Auxiliary verb is will come with third form of uh, uh, the main verb followed by the me uh, by. Leela. Writes a letter again, present indefinite tense. A letter will come here, followed by auxiliary verb is verb key third form and by Rita helped the old man. Past indefinite tense, auxiliary verb was will come for the uh, subject, the old man, uh, and then verb key third form by and the subject will go at the object position. Ram is playing cricket, present continuous tense cricket is and ing form will come in b and verb key third form ram followed by by cricket is being played by ram he has called me present perfect tense i

हैड सीन अ पिक्चर द लेडी लिख देते हैं द okay? पिक्चर है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दे है हमारा दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस नाउ इट इज ओके नो इट इज नॉट ओके नाउ इट इज ओके ओके सो दे हैड सीन अ पिक्चर पास परफेक्ट टेंस अ पिक्चर हैड बीन यहां पर भी बीन आया है सीन बाय दाम देखा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया है दाम यू विल प्ले फुटबॉल फ्यूचर इंडेफिनेटेंस फुटबॉल बिल प्लेट और इसके बीच में आएगा फॉर्म बी बायू ठीक है यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों एक सा होता है यू एंड यू नेक्स्ट इज शी वुग अ सॉन्ग यहां पर जो वुड है इट इज इन मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब ठीक है मॉडल वर्ब है सो इट विल कम एज इट इज अ सॉन्ग वुड संग बाय हर बीच में आएगा बी क्यों आएगा बी क्योंकि वुड uh, भी जो है हमारी मॉडल ऑगजिलरी है मॉडल ऑग्जिलरी विल नॉट टेक एनी थिंग एनी काइंड ऑफ वर्ब ऑफ द मेन वर्ब तो यहाँ पे संघ थर्ड फॉर्म के बीच में यहाँ पर बी आएगा एंड देन शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर फॉलोड बाय बाय शी वु हैव रेड द बुक ठीक है शी वु हैव रेड द बुक द बुक वुड हैव बीन रेड बाय हर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है वुड हैव द बुक वुड हैव बीन रेड बाय हर शीख का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर आ गया ठीक है तो ये हमारे एक तरह से रिवीजन हो गया ऑल द टेंसेस का अब हम देखते हैं हाउ टू चेंज वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जितने भी कमांड रिक्वेस्ट सजेशन या एडवाइस के सेंटेंस होते हैं रूल नंबर वन इफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस एक्सप्रेसिस ऑर्डर्स क्या एक्सप्रेस हो रहा है ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइज एटसेट्रा वर्ड लेट इज यूज और प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसिव वॉइस एंड B verb is placed before the past participle of the main verb. B का जो form आता है वो past participle यानी main verb से पहले आता है और passive voice start कहाँ से होता है let से होता है See example shut the door. This is imperative. ये क्या है एक order है Let the door be shut. ठीक है सबसे पहले क्या आया Let. उसके बाद आया object जो हमारा है the door. The door आ गया ठीक है Shut. Uh, वो आपकी थर्ड फॉर्म और उससे पहले बी का फॉर्म आएगा बी ठीक है में एज इट इज इज द ऑक्सिलरी देयर वो आ जाएगी टेल हिम टू गो ये भी सेंटेंस है किससे स्टार्ट होगा लेट पहले लेट होगा स्टार्ट हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है टेल हिम तो लेट हिम यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया ठीक है ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं एकदम लास्ट में ही आए ऑब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है तो लेट हिम टोल्ड ठीक है टेल की थर्ड फॉर्म आ गया टोल्ड और हिम और टोल्ट के बीच में क्या आ गया बी यहां पर लिखा हुआ है बी हमेशा आएगी पास्ट पार्टिसिपल के पहले तो लेट हिम बी टोल्ड टू गो आई होप इट इज क्लियर तो ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए ना रूल नंबर सेकेंड देखते हैं इफ द सेंटेंस बिगिनस विद प्लीज अगर रिक्वेस्ट फॉर्म में है एक्टिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड क्या आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ये कंप्लीट आएगा इज यूज इन द पैसि एंड इन ट्रांसिटिव वर्ब

ट्रांसिटिव स्कॉल विद ऑब्जेक्ट एंड इन ट्रांजिटिव स्कॉल विदाउट ऑब्जेक्ट ज्यादातर पैसे फॉर्म जो होते हैं जितने भी आप एक्टिव बनाते हो वो ट्रांसिटिव वर्ब के ही बनते हैं क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा सेंटेंस में तो आप पैसिव कैसे बनाओगे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दीज थ्री आर वेरी मच इसेंशियल टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस इन टू पैसिव फॉर्म तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है या जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ होती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं ठीक है यहां पर क्या है अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में कैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू और यहां पे शुड और बी का फॉर्म आएगा पहले एग्जाम्पल देखते हैं प्लीज डू नॉट स्मोक दिस वर्ड दिस सेंटेंस स्टार्टेड विध प्ली तो प्लीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड ठीक है अभी टू का प्लेस देखेंगे कि टू टू पे लगेगा बिकॉज विल कम बिफोर द मेन वर्ब ठीक है उसको मेन वर्ब के पहले आएगा तो जो वहां जहां पे वर्ब आएगी वहीं पे हम प्लेस करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पे क्या लिखा है देखो नेगेटिव सेंटेंस है ना नॉट तो so, बीच में नॉट आएगा एंड टू स्मोक ठीक है नेक्स्ट देखो ज इन यू आर रिक्वेस्टेड टू अब यह नेगेटिव नहीं था तो इसमें टू आ गया एंड देर ओबे योर टीचर टीचर शुड बी ओबेड अभी देखो यहाँ पे क्या है ओबे योर टीचर इट इज अगेन काइंड ऑफ एडवाइस ये एडवाइस ही तो है बट यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लगा दोगे से पहले ऑब्जेक्ट का फॉर्म लगाएंगे ये आ गया आपका योर टीचर उसके बाद और और क्या क्या है ये? है तो advice में क्या आता है 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 ये तो तो में आता कौन सी आती आती उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं आएगा सेकेंड थर्ड या ing form, उससे पहले हम बी लगाएंगे तो यहां पे, verb का थर्ड फॉर्म है उससे पहले क्या आ जाएगा बी ठीक है तो ये हो जाएगा योर टीचर शुड बी ओबेड आई होप इट इज क्लियर कीप योर वर्ड अगैन इट इज एडवाइज बट मीन्स वट एवर यू हैव सेट कीप योर वर्ड्स तो यहाँ पे सबसे पहले हम योर वर्ड लिखेंगे योर वर्ड एंड इट इज एडवाइज तो कौन सा मॉडल वर्ब आएगा शुड कैप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में भी आ जाएगा योर वर्ड शुड बी कैप्ड ठीक है तो दे लाइक दिस वी विल डू द इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑफ ऑर्डर कमांड्स एंड रिक्वेस्ट नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू चेंज द वॉइस ऑफ एम्पेरेटिव आई थिंक इट इज वी हैव डन दिस यस द सेम आई थिंक इट इज रिपीटेड ओके हाउ टू चेंज द वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम टें आपको बता चुकी हूं जब हम लोग लास्ट वीडियो में टेंथ पढ़ रहे थे उसमें सारे मैंने इंटेरोगेटिव बताए थे बट यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन एक बार फिर से बता देती हूँ रूल नंबर वन इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद एन ऑग्जिलरी वर्ब अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है डू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इज कन्वीनियंट बाय चेंजिंग इट इंटू असर्टिव फर्स्ट एंड इंटू इंटेरोगेटिव अगर uh, किसी भी ऑक्जिलरी uh, से स्टार्ट हो रहा है मान लो डू से तो असर्टिव में पहले चेंज करना है उसके बाद इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर इट अभी देखो एग्जाम्पल देखो डू यू सी दर्ड ये किससे स्टार्ट है देखो ऑक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट है क्वेश्चन तो हमारा इसका असर्टिव होगा यू सी दर्ड पैसिव टू असर्टिव बनाएंगे द बर्ड इज सीन बाय यू या यहाँ पे इज द बर्ड सीन बाय आपके सिर्फ हेल्प के लिए है मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप इट इज मेकिंग यू टू रीच टू सॉल्यूशन इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट एग्जैक्टली इमीडिएटली एज इट इज तो यू कैन गो टू दैट तो यहां पर सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप पहले उसको असर्टिव में चेंज करो फिर पैसिव में करो नो बट दिस इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस इट इज रिटर्न ओवर हियर ऑल्सो यू सी दर्ड डू यू

वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन एंड यू फॉलोड बाय अ अव लास्ट में क्वेश्चन मार्क वेरी इजी ठीक है नेक्स्ट देखो डिड यू सी द मैन टेंसेस

मैन उसके बाद आया द मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यू फॉलो बायर देंज हाउ टू चेंज इन टू इंटेटिव टू चेंज दोगे रूल नंबर टू इफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस डज नॉट बिगिन विदू दो विद डब्लू एच वर्ड अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है इट कैन बी डायरेक्टली चेंज्ड इन टू पैसे कैसे चेंज करेंगे भाई आ, देखो हु टॉट यू इंग्लिश यहाँ पे ये यह आया हमारा हु से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर हमारा जो पैसिव होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आ जाएगा बाय होम ठीक है तो आप बोल सकते हो हु किस में चेंज होता है हमेशा बाय होम में ठीक है इसको आप लर्न कर लो ये जहां से भी हु के जो भी सेंटेंस स्टार्ट होंगे वो बाय होम से स्टार्ट होंगे आपके बाय होम अभी देखो हु टॉट कौन सा टेंस टेंस है है पास्ट आपको सब में देखना जस्ट मीन एक्सेप्ट द इम्पेरेटिव सेंटेंस उसको छोड़ दो बाकी आपको टेंस सब में देखना है जिसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब आएगी बाय होम क्या है वर यू क्या आएगा ऑक्सिलरी वर वाय बिकॉज यू इज प्लूरल टॉट इंग्लिश वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड इंग्लिश बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश क्या क्या किया हमने यहाँ पे ऑग्जिल लगाया फिर यू लगाया सब्जेक्ट लगाया उसके बाद मेन वर्ब और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश नेक्स्ट देखो विच बुक डू यू वॉन्ट अभी यहां पर क्या करेंगे विच बुक डू यू वॉन्ट इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा हमारा Which book? ये विच से ही स्टार्ट होगा बुक आ जाएगा विच बुक डू यू वॉन्ट यहाँ पे विच बुक बुक हमने ऐसे ही रखा कौन सा टेंस है प्रेजेंट टेंस है कौन सी ऑक्सिलरी आएगी इज इज बिकॉज बुक सिंगुलर वॉन्टेड बाय यू वो आपकी थर्ड फॉर्म एंड यू आ जाएगा आपका फॉलोड बाय वाई विच बुक ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है ठीक है ये क्या है मतलब सेंटेंस कैसे भी आ सकता है आपको समझ में आना चाहिए बस कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है तो यहां पे प्लेसमेंट जो अलग है इवन दैन वी विलेडिंग साउंड स्पेक्लर और न्यू सबसे पहले देखते हैं वॉट इज कॉसिवॉइस अकॉसीपेसिवॉइस एक्टिव इन फॉर्म बट पैसिव इन सेंस एक्टिव इन फॉर्म बट पैसिव इन सेंस मतलब दोनों सेंस होते हैं इसमें सेंस ठीक है आपको दिखाई नहीं दे रहा है बस सेंस दे रहा है कौन से देखो एक्टिव और ये रहा पैसिव क्या होती हैं देखो हनी टेस्ट स्वीट द रोज स्मेल स्वीट द हाउस इज बिल्डिंग द बुक इज प्रिंटिंग ठीक है तो ये हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ज्यादातर क्या होते हैं यूनिवर्सल फैक्ट आप बोल सकते हो इसमें ठीक है यूनिवर्सल फैक्ट्स इसमें रिगार्ड होते हैं ठीक है अभी देखो हनी टेस्ट स्वीट तो यूनिवर्सल है हनी का टेस्ट स्वीट ही होता है पैसे कैसे बनाएंगे हनी हमने हनी लिखा टेस्ट स्वीट प्रेजेंट इन टेंस है तो यहाँ पे कौन सी ऑक्सिलरी आएगी इज आएगी इज स्वीट वैन इट इज टेस्टेड देखो आ गया फिर से हमारा इट इज आया यानी कि यहाँ पे दो पार्ट किए हैं हनी इज स्वीट फर्स्ट पार्ट वैन इट इज टेस्टेड सेकेंड पार्ट इसका अपना सब्जेक्ट है इसका अपना सब्जेक्ट है वर्ब दोनों में अलग आ रही है वैन इट इज टेस्टेड इट इज पैसि फॉर्म ये पैसिव फॉर्म हो गया ना देखो वैन और ये हमारा आया ऑक्सिलरी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस को पहचानना बहुत आसान है अगर आपको इज एम आर ये कोई भी है इज एम आर और पास्ट की जो फॉर्म है हमारी वर्स एंड वर् इसके बाद अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है तो वो क्या हो जाएगा वो जो सेंटेंस है आपका वो पैसिव वॉइस में होगा ही होगा ठीक है तो यहां पे क्या दिख रहा है हमको यहां पे ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है इट इज पैसिव नेक्स्ट देखो द रोज स्मेल स्वीट द रोज इज स्वीट फर्स्ट पार्ट वैन इट इज स्मेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय इज ठीक है यहां पे ये इसका फॉर्म आ गया इसका फॉर्म आ गया द हाउस इज बिल्डिंग अभी देखो कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो यहां पे हम द हाउस से शुरू करेंगे द हाउस क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है इसको हमको पैसिव बनाना है यानी कि इसमें इन वर्ब है या इसमें सारे में ऑब्जेक्ट अलग से नहीं आ रहे हैं देखो जो हमारे स्टार्टिंग में आ रहे हैं हम उनको ही तो ले रहे हैं हम क्या कर रहे हैं वी आर मेकिंग द द द पैसिव फ्रॉम रेस्ट पार्ट ऑफ टेंस बाय मेकिंग इट एनर पार्ट पैसिव वॉइस हम अपनी तरफ से ही तो बना रहे हैं ठीक है तो यहां पर आप बोल सकते हो कि क्वासी पैसिव वॉइस में पैसिटिव वर्ब्स आती हैं द हाउस हमने ऐसे ही लिया द हाउस इज ठीक है हमने इज ले लिया अब इसको पैसिव कैसे बनाओगे जो आई एन जी फॉर्म है पैसिव वॉइस मतलब हमेशा

आई नो द फैक्ट अभी मैंने बोला था हमेशा ज्यादातर सब्जेक्ट जो होता है वो बाय फॉलो क्या करता है बाय व्हेन वी आर चेंजिंग इनटू द पैसिव वॉइस बाय 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 बट मैंने आपको बोला था कुछ वर्ड होते हैं जिनके आगे प्रीपोजिशन चेंज हो जाती है तो वो उसमें से एक वर्ड है नो no. आई नो द फैक्ट यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट लगाया द फैक्ट या कौन सा इज प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया ये रहा सब्जेक्ट यानी कि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई और इससे पहले प्रिपोजिशन टू का यूज होगा बाय का यूज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा अगर हम यहाँ पे बाय लिखेंगे तो ये गलत होगा ठीक है नेक्स्ट देखो लाइट फिल्ड द रूम द रूम वॉज क्यों पास्ट इंडेफिनेट टेंस है वॉज आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लाइट्स यहां पर प्रीपोजिशन आएगी विद बाय नहीं आएगी ठीक है नेक्स्ट देखो हर मैनर्स प्लीज डस वेरी मच पास्ट इंडेफिनेट टेंस है यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा अस अस का हम सब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे क्या आया वी वी कैसा है प्लूरल तो वर आ जाएगा पास्ट का ऑक्सिलरी वी वर very much pleased इसको हमने ऐसे ही लिख दिया हमने हर मैनर्स प्लीज हर वेरी मच तो वेरी मच को हम यहां पे लेकर आएंगे प्लीज वेरी मच दिस इज जो एडवर्बियल है वो किसके लिए आ रहा है वर्ब के लिए आ रहा है ना प्लीज तो यहां पे हम ये एडवर्ब आ, आ गया ये वर्ब आ गया वेरी मच प्लीज हर मैनर्स और यहां पे विद हर मैनर्स आएगा बाय हर मैनर्स नहीं आएगा ठीक है तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं फिल्ड नो मैनर्स जो मैं बता रही हूं सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे ऑक्सिलरी प्रे, प्रे, आएगी आई के साथ एम आई एम इंटरेस्टेड आपका थर्ड फॉर्म आया दोईम ऑफ टेगोर किसमें इंटरेस्टेड हो ये लिख दिया the of Tagore. By the of Tagore नहीं आएगा इन द पोईम ऑफ टेगोर ठीक है तो यहां पर क्या आ गया इंटरेस्ट के बाद कौन सा आया हमारा इन आ जाएगा हमारा फॉर्म ठीक है जस्टमेट यस यह आ गया हमारा इंटरेस्ट के बाद आएगा इन नो के बाद टू फील्ड के बाद विद मैनर्स के बाद विद एंडर इंटरेस्ट वी हैव पुट इन नेक्स्ट देखते हैं ये दिस इज द वर्कशीट फॉर यू दैट यू हैव टू डू वेरी सिंपल सेंटेंसेस आर देयर मिक्स्ड सेंटेंसेस वर्कशीट इज दिस ट्राई टू सॉल्व दिस वर्कशीट एट योर ओन दिज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस यू कैन इजीली बी सॉल्व ठीक है आराम से कर लोगे तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ एक्टिव एंड पैसिव जो आता है नरेशन जो होता है आपका वो ज्यादातर किस में होता है पैसिव फॉर्म में होता है इनका यूज क्या होता है क्यों करते हैं दैट इज एक्टिव फॉर्म जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द एक्टिव

पैसिव फॉर्म हम इसलिए बनाते हैं जो ज्यादातर इनको फैक्ट में यूज किया जाता है ठीक है जो जितने भी आपके बुक इस फैक्ट होते हैं या नरेशन या टेक्स्ट लिखे जाते हैं वो ज्यादातर पैसिव फॉर्म में होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि वहां पे ये जरूरी नहीं होता कि ये किसने किया ठीक है स्पीकर या डूअर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है ठीक है तो दिस वॉज द एक्टिव पैसिव फॉर्म विद द एक्सरसाइज नाउ वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो दैट्स इट फॉर नाउ थैंक यू